हेलो यार, तो कैसे हो? सब आ चुके हैं आपके लिए नए न्यूज लेकर। तो शुरू करते हैं न्यूज। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं संदीप महेश्वरी के बारे में। तो एक यूट्यूबर है द इल्यूमिनाटी शो, इन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया। तो इन्होंने अपनी वीडियो में बताया संदीप महेश्वरी इन पर लीगल एक्शन लेने वाले। बेसिकली इनको एक ईमेल आया है, उस ईमेल में लिखा हुआ है कि आपने कुछ अपनी वीडियो में संदीप महेश्वरी के अगेंस्ट में बोला है। लेकिन इन्होंने अपनी वीडियो में बताया उन्होंने ऐसा कुछ भी संदीप महेश्वरी के अगेंस्ट में नहीं बोला है। तो उनकी वीडियो का एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैंने अपना मेल चेक किया उसमें मुझे एक मेल आया इंग्लिश में। जब मैंने उस मेल को पढ़ा, आई एम शेकिंग राइट नाउ, मैंने उस मेल में देखा कि किसी ने मेंशन किया है कि हम संदीप महेश्वरी के मैनेजर हैं और आपने संदीप महेश्वरी के अगेंस्ट कुछ बोला है अपने वीडियो में, इसलिए आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जो भी मेरे दोस्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरी वीडियोस थोड़ी मोड़ी देख लेते हैं कभी गलती से भी हो, तो उनको अच्छी तरह मालूम है मैंने संदीप महेश्वरी के अगेंस्ट ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिससे कि उनको एक्शन लेना पड़े मेरे अगेंस्ट। इनफैक्ट मैंने उनका कभी नाम भी नहीं लिया था उस वीडियो में जिसमें मैंने बात की थी कि कुछ लोग गलत बताते हैं मास्टरबेशन को लेके, अफवाहें फैलाते हैं। उस वीडियो में मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ इतना बोला था कि कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, हर चीज़ में वो सही नहीं हो सकते। कितने लोग आए, कैसे कैसे लोगों के फोटो उठाकर डाल देते हैं अपने वीडियोस में और व्यूज ले जाते हैं। यार मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया संदीप महेश्वरी का पिक, उसके लिए मुझे लीगल नोटिस दिया जा रहा है। इतना ही बोलूंगा यार, अगर आपने मेल किया है या किसी ने भी वो मेल किया है मुझे परेशान करने के लिए किया है या कुछ भी, प्लीज़ अगर आपने ऐसा किया है तो प्लीज़ आइंदा से ऐसा कभी भी मत करिएगा। किसी के साथ भी खराब लगता है यार बहुत। आपको नहीं पता मैं अभी किस सिचुएशन में हूँ, किसी से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। तो जैसा कि इल्यूमिनाटी शो ने बताया है कि वो ईमेल फेक भी हो सकता है, तो इस टॉपिक पर संदीप महेश्वरी ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करा है। अगर उसके बारे में कुछ भी बताते तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा इस बारे में। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हिंदुस्तानी भाऊ के बारे में। तो हिंदुस्तानी भाऊ और एकता कपूर का कॉन्ट्रोवर्सी तो आप सबको पता ही है, मैंने अपने लास्ट के लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप सबको पता है हिंदुस्तानी भाऊ ने एकता कपूर के अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेंट कर दी है, क्योंकि एकता कपूर का एक वेब सीरीज रिलीज हुआ था जिसमें इंडियन आर्मी और उनके देश के डिसरिस्पेक्ट की गई थी। तो अभी एकता कपूर ने हिंदुस्तानी भाऊ के अगेंस्ट में पुलिस केस कर दिया है। तो इसी के रिलेटेड हिंदुस्तानी भाऊ अपने इंस्टाग्राम पर दो आरजेडी वीडियो अपलोड किए, तो वो क्या कहे आप उनसे सुनिए। के खिलाफ एफआईआर के लिए जो भाग रहा था यहाँ वहाँ, वैसे ही उस वक्त मैं एक रिटायर आर्मी ऑफिसर के साथ उसकी मदद करने चेंबूर पुलिस स्टेशन गया था। वो चाहता था कि उनका जो वर्दी का अपमान हुआ है, यूनिफॉर्म का अपमान हुआ है, जिसके लिए कड़ी सी कड़ी कार्रवाई वो एकता कपूर के ऊपर हो, इसके लिए मैं उनका साथ चेंबूर पुलिस स्टेशन गया था। कार्रवाई तो नहीं हुई उनके ऊपर, एकता कपूर के ऊपर कार्रवाई तो नहीं हुई, उल्टा क्या हुआ, एक तो वो आर्मी ऑफिसर उसके ऊपर केस बना और एक केस ये अभी मेरे पे बना। ये मुझे अभी आया चेंबूर पुलिस स्टेशन से लेटर कि आपके ऊपर गुनाह दाखिल हो गया है करके, केस बन गई आपके ऊपर, तो आपको चेंबूर पुलिस स्टेशन आना है। इसके बाद हिंदुस्तानी भाऊ पुलिस स्टेशन हो गया, पुलिस स्टेशन में क्या हुआ इसी के रिलेटेड वो एक और वीडियो अपलोड किए, तो क्या कहे आप खुद देखिए। जाके आया मैं पुलिस स्टेशन, वहां पे सीनियर पीआई शालिनी शर्मा मैडम है जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, वहां पुलिस स्टेशन के सारे ऑफिसर
छोटे से बड़े सारे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि ये मेरी लड़ाई यूनिफॉर्म के लिए। तो बात उनको समझ में आई कि भाऊ ये यूनिफॉर्म के लिए, हमारे यूनिफॉर्म के लिए लड़ रहा है, जिसके वजह से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं पारस ठाकर वर्सेस रूरल सोल्जर के बारे में। सॉरी अगर नाम वाम लेने कुछ गलती हुई है तो। एनीवेज इन दोनों के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो पारस ठाकर अपने सेकंड चैनल पर व्लॉग अपलोड करते हैं, कुछ स्वागत के व्लॉग अपलोड करते हैं, तो इसी को लेकर रूरल सोल्जर अपने चैनल पर उनके अगेंस्ट में एक रोस्ट वीडियो बनाए जिसमें वो बहुत सारी बातें कह दिए थे। तो इसी का रिप्लाई देते हुए पारस ठाकर अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, उनको रिप्लाई देते हुए वीडियो का एक क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। बोली लेकिन जो इसने गंदी बात बोली, ये क्या बोली सुनो, माता जी को अगर इसकी हार्ट अटैक आ जाए तो ये बंदा कैमरा उठा के पहले व्लॉग शूट करेगा कि इसकी मम्मी मर रही है, किस तरह से मर रही है वो देखो। ये सुन मेरी बात, अगर तू मेरे माँ बाप पे गया ना, तू जहां पे भी है ना वहीं से उठा लाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा। मेरे लिए मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरा बाप जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, तू जानता भी नहीं है उन्होंने कहां तक कितनी मेहनत करके, मेरे पापा ने रिक्शा तक चला के मेरे को पाल पोस के बड़ा किया, और तू बोलेगा मेरी माँ को कुछ हो जाए, तू बोलेगा? अबे अपना परिवार तेरे से संभलता नहीं, अपने माँ बाप को तूने कभी दिखाया नहीं, या तू दूसरों की माँ को बोलेगा कि कैसे मर जाएगी, कैसे मर जाएगी मेरी माँ? शर्म आनी चाहिए चीप इंसान, अगर जरा सी भी जिल्लत बची हो ये वीडियो पहुंच जाए, अपनी वीडियो हटा लियो, मैं समझ जाऊंगा तुझे शर्म आ गई। नहीं तेरे में दम हो तो तू भाई मुझे कर दियो ईमेल, उसके बाद मैं तेरा हिसाब अपने आप कर लूंगा। तो उसके बाद रूरल सोल्जर ने अपना वो वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया, इस बारे में बताया कि उन्होंने अपना वीडियो क्यों डिलीट करा। तो क्या कहे आप खुद देखिए। स्पेशली जो मेरा वीडियो है उस दो कौड़ी के यूट्यूबर के लिए, जिसको हमने घुटनों पे ला दिया। अगर मैंने बोला घुटनों पे ला दिया तो ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो तुम नाटक कर रहे हो ना इमोशनल अत्याचार वाला, वो मेरा बड़कपन है कि तुम जैसों को घुटने पे लाने के बाद, तुम्हें तुम्हारी औकात दिलाने के बाद उस वीडियो को सिर्फ इसलिए हटाया, सिर्फ एक माँ के नाम पे, सिर्फ एक माँ के नाम पे, फिर से बोल रहा हूँ सिर्फ एक माँ के नाम पे। अगर माँ को तो बीच में नहीं लाया होता तो शायद दुनिया के किसी के बाप में हिम्मत नहीं थी कि उस वीडियो को वहाँ से हटा देता मैं, वो मेरा बड़कपन था। बाकी रही बात तेरी, जो तू कहता कि मेरी फैमिली के बारे में मत जाओ, फैमिली के बारे में मत बोलो, जब तक के फैमिली की चीज़ें घर में हैं तब तक फैमिली के अंदर हैं, जैसे ही तू पब्लिक करेगा तो लीगल राइट है। तो अभी तक इनका इतना ही कॉन्ट्रोवर्सी था, आगे उनका कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो बस आज के लिए बस इतने न्यूज़ था, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, सपोर्ट करो प्लीज़ यार, जितने भी लोग देख रहे हो मेरे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।